चिंता। चिंता साढ़े जीवन में एक बहुत वड्डा विशा बन चुका है। कि असी चिंता नाल अपनी उम्र के वाधा कर सकते हैं? आओ असी वचन विच देखांगे कि सानू चिंता नहीं करनी चाहिए। संत मत्ती दी अंजील उनका 6:25 तो। इसलिए मैं तुहानू कहिंदा हाँ, तुसी अपने जिंदगी बारे चिंता ना करो कि तुसी की खावोगे जा की पीवोगे, ना ही अपने शरीर बारे कि तुसी की पावोगे। कि जिंदगी भोजन नालों वध के नहीं है अते शरीर कपड़े नालों वध के नहीं है। आकाश के पंछियों वल वेखो, वो ना ही बीजते ना ही वढ़ते अते ना ही पड़ोलियां विच इकट्ठा करते हैं, फिर भी तुहाडा स्वर्गी बाप उन्हां नूं खवाउंदा है। कि तुसी उन्हां नालों वधेरे कीमती नहीं हो। तुहाडे विचों कौन चिंता करके अपनी जिंदगी नूं एक पल भी वधा सकता है? तुसी कपड़े की चिंता क्यों करते हो? खेतां दे फुल्लां वल देखो कि वह किस तरह वधदे फुलदे हन। वह ना तो मेहनत करते हैं अते ना ही कटते हैं। फिर भी मैं तुहानूं कहिंदा हाँ, सुलेमान भी अपनी पूरी शानो शौकत विच इन्हां विचों किसी एक वांग भी सज्जा होया नहीं सी। तां फिर जेकर खुदा खेतां दे घा नूं जो अज जिंदा है अते कल चुल्हे विच सुट्टिया जांदा है इस तरह सजाउंदा है तां कि उह तुहानूं उह घट विश्वासियो उस तो वध के नहीं पहनावेगा? इसलिए इन्हां सोचां विच परेशान ना होवो कि असी की खावांगे जां असी की पीवांगे जां असी की पहनांगे, क्योंकि पराइयां कौमां दे लोग इन्हां सभनां चीज़ां दी भाल विच रहिंदे हन। तुहाडा स्वर्गी बाप यह जानता है कि तुहानूं इन्हां सभनां चीज़ां दी लोड़ है। तुसी पहला उसदे राज अते उसदी धार्मिकता की खोज करो अते ये सब चीज़ां भी तुहानूं उन्हां दे नाल मिल जाणगियां। इसलिए कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल अपनी चिंता आप करेगा। अज दे लई अज दा कष्ट ही काफ़ी है। आमीन।